बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप डिजिटल इकामा बनाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में डिजिटल इकामा किस तरह बना सकते हैं। डिजिटल इकामा बनाने के लिए अपशर अकाउंट होना लाजम है। अगर आपका अपशर अकाउंट नहीं बना तो आप इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो डिजिटल इकामा बनाने के लिए सबसे पहले हम खोलेंगे ऐप स्टोर। इसमें हम लिखेंगे अपशर इंडिविजुअल। और उसके बाद अपशर इंडिविजुअल का ऐप हमारे सामने आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसको ओपन करूँगा। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे और इसमें अपना इकामा नंबर लिखेंगे और इकामा नंबर ऐड करने के बाद हम पासवर्ड लगाएंगे। और फिर लॉगिन कर देंगे और उसके बाद हमारे मोबाइल पर OTP एक मैसेज आएगा, उसको इसमें ऐड कर देंगे और डन कर देंगे। तो जैसे हम अपशर को लॉगिन करेंगे इधर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आप यहां दे सकते हैं और हम इनमें से माय सर्विसेज पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हमारे सामने हमारे इकामा की प्रोफाइल शो हो जाएगी, हमारा नाम और हमारे इकामा पर जो तस्वीर लगी होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। और उसके आप नीचे देखें माय सर्विसेज, व्यू डिजिटल ID, रिपोर्ट मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। तो डिजिटल इकामा बनाने के लिए हम व्यू डिजिटल ID पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा पूरा बायोडाटा शो हो गया है, हमारा इकामा नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ हमारे पूरी इकामा की डिटेल शो हो जाएगी, आपके जो कफ़ील है उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर ID है वो भी इसके साथ आ जाएगा। अगर आप सैमसंग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके तो अपनी डिजिटल इकामा ID एक्टिवेट कर सकते हैं। आप पुराने सफ़र कहीं भी इसको आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो आप हॉस्पिटल में इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा और भी कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आपका डिजिटल इकामा बन जाता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले कर भी अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर आप ये QR कोड शो करके शुरता को आपका वो स्कैन कर लेगा तो उसके थ्रू वो आपका पूरा बायोडाटा चेक कर लेगा। तो डिजिटल इकामा का ये भी एक फ़ायदा है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपका अपशर अकाउंट बना है, तो आप उसके साथ बगैर इंटरनेट के भी लॉगिन हो सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं है और आपने डिजिटल इकामा बना लिया है तो आप इस तरह ये ऑप्शन पर तो आप इसको रीड कर सकते हैं, एक्सेस डिजिटल ID, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाया तो वो आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा, अगर आपने फिंगरप्रिंट से लॉक लगाया तो वो उसको रिक्वायर्ड करेगा। तो उसके बाद आपके जो डिजिटल इकामा है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरह आप भी अपने मोबाइल में डिजिटल इकामा बना सकते हैं। और तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।